हेलो दोस्तों, दवा जानकारी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाला हूँ प्रो बीसी सस्पेंशन के बारे में। जानेंगे ये प्रो बीसी सस्पेंशन कौन सी कंपनी का ब्रांड है, इसका मार्केट में क्या प्राइस है और इसका जो कॉम्बिनेशन है किस मात्रा में क्या कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों कौन सी बीमारी के लिए दवा यूज किया जाता है, इसका डोसेज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, तो पूरी डिटेल मैं जानूंगा। दोस्तों जरूर वीडियो को लास्ट तक देखें। उससे पहले दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो बनाते रहता हूँ, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जैसे मैं इस चैनल में कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। दोस्तों मार्केट में जो प्रो बीसी सस्पेंशन आती है इंटरलैब का आती है, जिसका पैकिंग एक में 10 मिली बॉटल 5 ml करके दिया हुआ है। दोस्तों इसका एमआरपी की बात करो तो 400 एक बॉक्स का एमआरपी है, एक एमपेल का 40 रुपये लगता है। दोस्तों इसमें जो कॉम्बिनेशन दिया है बैचलर क्लासी 2 मिलीग्राम दिया हुआ है। दोस्तों इसे जो बैचलर क्लासी है प्रो एंटीबायोटिक दवा है, जो डायरिया दस्त को खत्म करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, डायरिया को खत्म करने के लिए बेस्ट माना जाता है। दोस्तों इसका यूज के बारे में बात करो तो डायरिया दस्त लूज मोशन के संक्रमण को खत्म करने के लिए इसको लिया जाता है। एक सस्पेंशन है, इसको डायरेक्ट ओपन करके निगलना है। आप ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ देखिए दोस्तों, डू नॉट इंजेक्ट, ये सस्पेंशन है। दोस्तों कभी कभी एंटीबायोटिक लेने की वजह से भी डायरिया दस्त का समस्या हो सकता है, तो उस कंडीशन में या छोटे बच्चे को डायरिया हुआ तो दिन में 3-4 बार मल पानी का जैसा मल जाए तो उस कंडीशन में इसको लेना चाहिए। दोस्तों एक सस्पेंशन है, जब इसको लेने के टाइम सेक करके लेना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे बैक्टीरिया बैठ जाता है, तो उसको सेक करके लिया तो बहुत ही बेहतर रहता है। ये छोटे से बड़े आदमी, बुजुर्गों, बूढ़े, महिला पुरुष सभी ये दवा ले सकते हैं। दोस्तों इसमें एक ही बात मैं समाप्त करूं, दोस्तों डायरिया लूज मोशन संक्रमण को रोकने के लिए इसको लिया जाता है। इसका डोसेज के बाद को दोस्तों एक एस शेड्यूल ड्रग है, तो जरूर डॉक्टर केमिस्ट को सलाह लेके ये दवा को लीजिए। फिर भी डॉक्टर का दिया जाए जो कॉमन डोसेज का मात्रा है, 1 से 12 उम्र का वाला बच्चे दिन में 2 बार ले सकता है, पानी या दूध के साथ भी ले सकते हैं। छोटी उम्र जो बच्चे रहता है 0 से 2 साल को, उसको धीरे धीरे बूंद बूंद करके दिया जाता है, और जो 12 साल से ऊपर है उसके दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है, सुबह शाम और आफ्टरनून टाइम में। दोस्तों ये था डोसेज। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं साइड इफेक्ट बारे में। दोस्तों इसका जो प्रोडक्ट का जो साइड इफेक्ट है ना के बराबर साइड इफेक्ट आता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में अलग अलग रिएक्शन जैसे हो सकता है। जैसे सभी आदमी इसको लिया तो कुछ कुछ साइड इफेक्ट जैसे उल्टी मतली और पेट में समस्या जैसे रहते हैं, स्किन में आपको चकती भी पड़ सकता है इस टाइप का। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो इस दवा को सेवन को स्टॉप कीजिए, तुरंत ही अपने डॉक्टर को संपर्क कीजिए जैसे आपको फर्दर ट्रीटमेंट मिले। दोस्तों ये था प्रो बीसी सस्पेंशन का फुल डिटेल्स। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जरूरतमंद लोगों के साथ इसको